दोस्तों सभी आधार कार्ड होल्डर्स के लिए उदय की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उदय, तो क्या आपको पता होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड को बनाने वाली मैनेज करने वाली संस्था है, उसकी तरफ से सभी आधार कार्ड होल्डर्स के लिए एक जरूरी सूचना जारी की गई है। हालांकि ये जो नया नियम है ये फिलहाल अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन उदय का कहना है कि वो लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। और इस नए नियम के तहत आपको हर 10 साल में आधार कार्ड से जुड़ा ये एक काम करना होगा। क्या काम है, 2 मिनट में बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। और इस नियम में एक छूट ये भी रहेगी उदय के नियम के अनुसार कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर ये नियम लागू नहीं होगा। अभी जैसा कि आपको पता होगा, मौजूदा समय में 5 साल से छोटे बच्चों का जो आधार कार्ड बनवाया जाता है ना, तो उनके बायोमेट्रिक डिटेल्स ली ही नहीं जाती है, केवल उनके माता का नाम, पिता का नाम और उसका नाम, इस आधार पर आधार कार्ड बनाया जाता है। और फिर जैसे बच्चा 5 साल से ऊपर का होता है, 5 से 15 साल तक के बच्चों को अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करवानी पड़ती है, राइट। लेकिन अब ये नियम ना सिर्फ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रहेगा, बल्कि पीटीआई की ओर से ये भी बताया गया कि उदय लोगों को 10 साल में स्वेच्छा से एक बार बायोमेट्रिक्स और डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट करवाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, आपके आधार कार्ड में जो आपके फिंगरप्रिंट डिटेल्स हैं, आपके फेस स्कैनिंग वगैरह, जो भी बायोमेट्रिक डेटा लिए गए हैं ना, तो उदय का कहना है कि लोगों को हर 10 साल में अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट करवा लेना चाहिए। इससे होता है कि कई बार आपको पता होगा हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होती है, कई जगहों पर जहां आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत होती ना, तो हमारी उंगलियों के निशान सही से स्कैन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर 5-10 साल में क्या कि निशानों में थोड़ा बहुत अंतर तो आ ही जाता है। तो इसीलिए उदय का कहना है कि आप अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह को हर 10 साल में अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स डेटा में अपडेट करवा लें, री ऑथेंटिकेशन करवाना होगा आपको हर 10 साल में। हालांकि ये नियम अभी कंपलसरी नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, उदय लोगों को इसके लिए सिर्फ प्रोत्साहित कर रहा फिलहाल, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2-4 साल में इस नियम को कंपलसरी भी कर दे, अनिवार्य भी कर दे। तो कहने का मतलब सिंपल कंक्लूजन यही है कि अगर आपका भी आधार कार्ड बहुत ज्यादा ही पुराना बना हुआ है, 6-7-8 साल हो गए उसको, तो आप उसमें जो आपके जो फिंगरप्रिंट के डेटा है यानी बायोमेट्रिक डिटेल्स जो है ना, उसको अपडेट करवा लें। आप अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर के भी ये करवा सकते हैं, आधार सेवा केंद्र जो बनाए हुए हैं सरकार की तरफ से उस पर भी करवा सकते हैं, और किसी ई मित्र सेंटर के जरिए भी करवा सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आधार कार्ड को लेकर ये छोटा सा न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिला होगा। इसी तरह की काम की एजुकेशनल खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।